हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आई एम उर्वी जोशी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट समरी ऑफ द लेसन मॉडर्न वर्ल्ड दिस कंटेंट बिलोंग्स टू जनरल इंग्लिश पेपर सेम फोर फॉर बीए बीएससी और बीकॉम स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द ऑथर दो वी हैवेंट आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम द ऑथर बट हम सिर्फ उसे याद रखेंगे शॉर्ट नोट में इंट्रोडक्शन के लिए ओके रिंकू एस मोदियानी प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश इन तोलानी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स आदिपुर शी हैज़ एक्सपीरियंस ऑफ फोर्टीन ईयर्स ऑफ टीचिंग एंड शी इज़ अ आर्टिकल राइटर अगर समरी की बात करें तो इसमें बात की गई है कि किस हिसाब से इस लेसन में बात की है कि इक्कीसवीं सदी जो है उससे हमने किस तरीके से इन्वेंशन की दौर में या फिर डेवलपमेंट की दौर में हम आगे बढ़े हैं लेकिन उसके साथ साथ हमारे रिश्ते जो है नाते जो है वो सारी चीज़ें में किस तरीके से बदलाव आया है इसी की बात की गई है तो बेसिकली मॉडर्न वर्ल्ड यानी जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं आधुनिक विश्व की ओर हमारे रिश्ते नाते हमारी थिंकिंग प्रोसेस ये सब कुछ किस तरीके से बदल रही है ये सारी बातों पर फोकस किया गया है तो हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों को देखेंगे ओके ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी हैज़ अबोट अ मनी चेंजेस इन अवर लाइफ इक्कीसवीं सदी जो है वो काफ़ी सारे बदलाव लाई हमारे लाइफ लाइफ में हमारे जीवन में बीसवीं सदी की बात करें तो इट वॉज एज ऑफ इन्वेंशन एंड साइंस फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक बल्ब टू द स्मार्टफ़ोन बीसवीं सदी की बात करें तो वो इन्वेंशन का एक दौर था साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर था जहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज से लेकर एक स्मार्टफोन वहाँ तक की हमने जर्नी तय की इक्कीसवीं सदी की बात करें अगर कर हम रिगार्डिंग डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी की तो इट इज़ ए डबल एज ए स्वर्ड इन द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट तो वो दो धारी तलवार है मतलब कि हम और भी ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ बढ़ रहे हैं कंप्यूटर की बात करें तो स्टार्टेड बीइंग यूज्ड फॉर अज टास्क बिकॉज ऑफ इट्स बिग साइज़ क्योंकि जब हमने कंप्यूटर की खोज की तो वो बहुत ही बड़ी साइज़ में था वो बहुत ही बड़ा था तो हम उसे किसी बड़े काम के लिए यूज़ करते थे जस्ट लाइक आर्मी डिफेंस उसी में वो यूज़ हो रहा था बट नाउ इट बिकम द स्मॉल टू हेल्ड इन द पाम इन पाम ऑफ आवर हैंड्स लेकिन अब वो हमारी एक हाथ की हथेली में आ जाता है तो इट इज़ लाइक अ पाम टॉक इट बिकम्स द यूज़र फ्रेंडली यूज़र फ्रेंडली है एंड ऑल आवर वर्क एंड इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन दिस वन डिवाइस हमारे जितने भी काम हैं जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इस एक डिवाइस में हम इसे स्टोर कर सकते हैं ई मेल की बात करें तो इसने यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल इसने हमारा पूरा कम्युनिकेशन का वे जो है वो चेंज कर दिया पहले क्या होता था हम चिट्ठियाँ लिखते थे फिर उन्हें पहुँचती थी फिर वो उस, उसके पढ़ते थे उसके बाद उसका रिप्लाई हमें मिलता था ठीक है लेकिन अब क्या है सेंडर जो है उसने मैसेज भेजा है रिसीवर को उसने रिसीव किया इमीडिएटली वो हमें मैसेज दे देंगे तो इट चेंज द वे ऑफ कम्युनिकेशन कम्प्लीटली इसकी शुरुआत हुई थी 1947 में ब्रिटेन में प्रिंटिंग प्रेस की बात करें तो किस तरीके से प्रिंटिंग प्रेस पूरा का पूरा मीडिया जो है वो उन्होंने बदल दिया इन्वेंटेड बाय द इंग्लिश साइंटिस्ट टिन बर्नस ली डब्ल्यू 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 एंड इन्वेंटेड इन नाइनटीन एटी नाइन कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गूगल इन जस्ट वन क्लिक लाइक कुकिंग क्रॉकरी फैशन एक्सेट्रा तो ये सारी चीज़ें बदल गई तो डब्ल्यू 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 ये एम सी क्यू में आता है ठीक है डब्ल्यू 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 की खोज किसने की इंग्लिश साइंटिस्ट है जो और कब की तो नाइन में तो इसनेफॉर्मेशन को एक्सेस करने का तरीका था उसे कम्प्लीटली बदल दिया आपको सिर्फ एक क्लिक के अंदर गूगल में जाओगे और आपको सब कुछ मिल जाएगा स्मार्टफोन की बात करें तो इट इज़ अ रिप्लेसमेंट ऑफ मेनी डिवाइसेस लाइक अलार्म कैलेंडर वॉचेस न्यूज़पेपर प्लानर रिमाइंडर एक्सेट्रा और कैलकुलेटर भी तो हर चीज़ आपको अपने स्मार्टफोन में मिल जाएगी चाहे वो अलार्म रखना हो आपको कैलेंडर देखना हो मूवी देखनी हो ठीक है समय देखना हो न्यूज़पेपर पढ़ना हो आपको कोई चीज़ प्लान करनी हो आपको रिमाइंडर चाहिए कैलकुलेटर चाहिए हर चीज़ आपका हर काम कर देगा स्मार्टफोन एंड वन कैन स्टोर इन्फॉर्मेशन इन फोन एंड एक्सेस इट वेन एवर दे नीड और आप अपनी इन्फॉर्मेशन को इसमें स्टोर भी कर सकते हैं और जब भी आपको उस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़े आप उसे एक्सेस कर सकते हैं यानी यूज़ कर सकते हैं नीड यानी अपने ज़रूरत के हिसाब से सर्वे की बात करें तो वन कैन नॉट सर्वाइव विदाउट अ फ़ोन मोर देन वन एंड हाफ मिनट तो एक सर्वे के हिसाब से अगर बात करें तो एक इंसान जो है वो अपने स्मार्टफोन के बिना एक से डेढ़ मिनट के ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकता मतलब कि हर डेढ़ मिनट के बाद हम अपना फ़ोन देखते हैं चेक करते हैं सोशल मीडिया तो इसमें है व्हाट्सअप और फेसबुक की बात की गई है व्हाट्सएप ये हमें एम में आ रहा है ओके ये क्वेश्चन व्हाट्सअप किसने इन्वेंट किया था तो जॉन कॉन एंड ब्रेन एक्टन फेसबुक मार्क जुकरबर्ग दिस इन्वेंशंस हैव इन्वेंशनज द दिनारी ऑफ अ अल ऑफ अ सोसाइटी कम्प्लीट इसके हिसाब से क्या हुआ हमारा जो सोशल गेट टुगेदर था उसका जो पूरा सीनरी था वो कम्प्लीटली बदल गया फेसबुक बिकेम गो टू वेबसाइट वेयर वन कैन मीट हीज और हर ओल्ड फ्रेंड हमारा जो भी कोई पुराना दोस्त हो उससे हम फेसबुक पर ढूंढ सकते हैं और उसके उसे के वापस हम कॉन्टेक्ट बना सकते हैं वन कैन ऑल्सो अपलोड हिज पिक्चर और शेयर ए अबाउट देयर लाइफ अपनी लाइफ के जो भी इन्फॉर्मेशन हो कोई भी पिक्चर हो वो हम इसके ऊपर अपलोड कर सकते हैं व्हाट्सएप की बात करें तो इट इज़ यूज़र फ्रेंडली ज़्यादा रिलायबल है व्हाट्सअप ओके मॉडर्न लाइफ की बात की गई है और सामने हमें बताया गया है कि लग्जरियस लाइफ जिस जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्या है हमें मॉडर्न लाइफ नहीं हमें चाहिए हमें लग्जरियस लाइफ चाहिए यू नो हमें दिखावा करना है ऐसी ज़िंदगी चाहिए सो पीपल थिंक और बिलीव इन अ मॉडर्न लाइफ स्टाइल वेन सोसाइटी गिव द इम्पोर्टेंट टू लग्जरी लोग हर कोई मॉडर्न होना चाह रहा है हर किसी को मॉडर्न लाइफस्टाइल चाहिए क्यों क्योंकि सोसाइटी जो है वो लग्जरी को इंपॉर्टेंस दे रही है यानी एक इंसान कैसा सोच रहा है उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है उसके संस्कार कैसे है उसकी सोच कैसी है इसको हम इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते जितना कि वो कपड़े कैसे पहनता है उसके पास फ़ोन कैसा है उसके पास कितनी गाड़ियाँ है उसका घर कैसा है छोटा है या बड़ा उसके घर में सारी सुख सुविधाएँ हैं है, उन सारी चीज़ों को सोसाइटी इंपोर्टेंस देती है कहीं ना कहीं एज अ ह्यूमन बींग हम भी देते हैं और सोसाइटी का हिस्सा है ऑफ कोर्स हम भी तो हम भी कहीं ना कहीं इसी चीज़ों को बढ़ावा देते हैं और इसीलिए हर इंसान जो है वो मॉडर्न लाइफस्टाइल और लग्जरियस लाइफ को जीना चाहता है क्योंकि उसे यही लगता है कि अगर ये सारी चीज़ें मेरे पास होंगी तो ही मुझे सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलेगी वरना नहीं मिलेगी सो इवन पीपल बिकम अ मोर लेज़ी नाउ अ डेज दे चूज़ टू यूज़ रिमोट फॉर अ करटेन और अ स्विच ऑन और ऑफ़ टू फोन और अ लैम तो अब देखा जाए तो लोग जो है वो पहले के कंपैरिजन में काफ़ी लेजी और आलसी बन रहे हैं वो अपने अगर जो पर्दे भी लगा रहे हैं तो घर में तो ऐसा लगा रहा है जिसे हम रिमोट से खोल सकें और स्विच ऑन और स्विच ऑफ़ भी हम रिमोट से कर रहे हैं चाहे वो अपना ना अपना फ़ैन हो या अपनी लैम्प हो तो कोई इंसान अपने घर में जहाँ पर वो बैठा हुआ है वहाँ से हिलना पसंद करता नहीं है पीपल लाइक टू बिकम अ स्लेव ऑफ मशीन्स एन रिमोट बट डू नॉट लाइक टू बिकम अ हार्ड वर्कर हर कोई इंसान जो है वो मशीन का गुलाम बनना पसंद करता है लेकिन उसे हार्ड वर्कर बनना पसंद नहीं है नाउ डिसएडवांटेजेस और कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ द टेक्नोलॉजी हमारे पास जो टेक्नोलॉजी आए उससे हमें क्या नुकसान हुआ और उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेज यानी क्या रिजल्ट आए उस टेक्नोलॉजी का एवरी कोइन हैज़ अ टू साइड्स पॉजिटिव एज वेल एज अ नेगेटिव सो टेक्नोलॉजी हैज़ मेड आवर लाइफ मोर इजियर और कंफर्टेबल बिकॉज ऑफ अक्सेस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी वी फेस कंटेन सर्टेन नेचुरल प्रॉब्लम्स लाइक ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंजेस एक्सेट्रा हर कोई जो है उसकी दो साइड होती हैं तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को इजी बनाया कंफर्टेबल बनाया बट ऑन द अदर हैंड उसने काफ़ी सारी और भी नेचुरल कैलेमिटीज़ और नेचुरल प्रॉब्लम्स को खड़ा कर दिया लाइक ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज ये सारी चीज़ें हमारे सामने आज आई है वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से ही आई हुई है मोर देन बिकॉज ऑफ एक्सेस यूज ऑफ अ सोशल मीडिया पीपल बिकम मोर एंड सेल्फ सेंट्रिक और इनसेंसिटिव हम जितना सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं उसी हिसाब से क्या हो रहा है हम अपना जो फैमिली है जो सोसाइटी है उसके हम इतने कॉन्टेक्ट में नहीं है उस इतना टच में नहीं है यानी उसके लिए हम इनसेंसिटिव बनते जा रहे हैं जबकि जो बाहर की एक फेक दुनिया है उसके लिए हम खुद को तैयार कर रहे हैं कहीं ना कहीं उसकी वजह से हमारे पास में इम्पेशन है यानी अब हमारे पास वो संयम नहीं है धैर्य नहीं है हम सेल्फ सेंट्रिक लाइफ सिर्फ और सिर्फ हम अपने बारे में ही सोचने लगे हैं ऐसे बनते जा रहे हैं जॉइंट फैमिली पहले ज़्यादा थी अब हम देखते हैं तो न्यूक्लियर फैमिली हमें ज़्यादा देखने को मिलती है मॉडर्न यंगस्टर्स जो है वो ऐसे कपल हैं जिन्हें या तो बच्चे करने ही नहीं हैं या कि उन्हें यह लगता है कि बच्चे आने की वजह से लाइफ जो है वो पूरी हसल बसल हो जाती है या तो फिर वो सिंगल चाइल्ड को ही मानेंगे कि नहीं एक ही बच्चा होना चाहिए अगर आगे जाकर क्या होगा इसके रिज़ल्ट से ना हमारा जो बच्चा होगा या, यानी कि हमारे बाद की जो जनरेशन होगी वो चाचा मामा बुआ ऐसे सारे वर्ड्स को वो जानते ही नहीं होंगे जैसे कि हम डायनासोर को नहीं जानते उसी हिसाब से मेडिकल साइंस की बात करें तो देर आर वैक्सीन एर न्यू मशीन्स मेडिसिन ये सारी चीज़ें आई है हम हन, इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं बट हम अपने रिश्तों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हमारी लाइफ जो है वो कम्प्लीटली नेगेटिव इफेक्ट डाल रही है हमारे हेल्थ के ऊपर हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ के ऊपर भी राइट ब्रदर्स जिन्होंने एयरबस बनाई थी वी इग्नोर द इम्पोर्टेंस ऑफ वॉकिंग इन अ लाइफ ये ऐसा मान रहे हैं कि हम अपनी लाइफ के अंदर वॉकिंग के इम्पोर्टेंस को भूल रहे हैं जैसे एक कंप्यूटर को ख़राब करता है एक वायरस वैसे ही हमारा जो फास्ट फूड है वो हमारी हेल्थ के लिए एक वायरस है वो हमारी हेल्थ को ख़राब कर रहा है सो वन शुड एक्सेप्ट द पॉज़िटिव साइड एंड लुक फॉरवर्ड टू हैप्पी ए हेल्दी लाइफ तो इससे ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी जो है वो गलत है लेकिन हमें अपनी लाइफ में देखना है कि जो उसकी पॉजिटिव साइड है वही हमारी लाइफ के अंदर आए ना कि नेगेटिव साइड नेगेटिव साइड यानी कि हमें उसका एक्सेस यूज़ नहीं करना है ठीक है कोई भी हम कहते हैं ना अति सर्वत्र वर्जित है तो अति नहीं करनी है हमें सिर्फ जितनी ज़रूरत है उसी हिसाब से हमें उसे यूज़ करना है और अपनी लाइफ को ईजी और कम्फर्टेबल बनाना है तो बस यही है इस लेसन में आई होप आपको समझ में आ गया होगा एट लास्ट थैंक यू सो मच एंड यस डोंट फर्गेट टू डाउनलोड द पीडीएफ नोट्स ऑफ दिस लेसन धन्यवाद और हाँ अगर आप ऑफलाइन ट्यूशन क्लासेज चाहते हैं इंग्लिश लिटरेचर का तो उसकी टेलीग्राम मेरी जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी You can go there and check the all information regarding the tuition glasses. Thank you so much. May God bless you to all. Bye bye.